और देखें क्या लिखा हुआ रहा है, गेट रेडी टू सेलिब्रेट। अब ये चेक करें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप लोगों की मोहब्बत से ये वाला बटन आपके भाई को पहले मिल चुका था 100,000 सब्सक्राइबर्स पे। अब जो है वो मैं ये अप्लाई करने लगा हूं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी मिलेगा यार। देखें अगला पेज आता है जिसके अंदर ये पूछता है आपसे कि आपको बटन के ऊपर क्या नाम चाहिए, और वही नीचे जो है ना ये देखें दिखा भी रहा होता है कि किस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया भाई मुस्तफा हनीफ। ठीक है, अब्दुल कबीर इसकी जगह अब्दुल कबीर लिख दूं? लिख दूं। अच्छा तो अब्दुल कबीर के नाम से बना हुआ आ जाएगा। ये देखें भाई मुस्तफा हनीफ लिख दिया, इस तरीके का इंशाल्लाह इंशाल्लाह बन के आएगा भाई। सारे फॉर्म शॉर्म हमने फिल कर दिए, अब फाइनली हमें ईमेल आ गई है कि मुस्तफा गेट रेडी फॉर योर गोल्ड अवार्ड। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इंशाल्लाह। आमिर वॉकी टॉकी भी अवेलेबल है, इसको मैसेज करते हैं जरा। मतलब 4:30 बजे मैं रेडी रहूं ना? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बारबेक्यू के मजे कर रहे हैं? बोटियां वोटियां निपटा रहे होंगे आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब मजे में होंगे भाई। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि आज एक हैवी सीन होने वाला है, तो उसी की तैयारियां हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था आमिर के साथ, वो भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, उसको भी लेंगे, बाकी सारे दोस्तों को भी लेंगे इंशाल्लाह, और फिर चलेंगे हैवी सीन की तरफ, हैवी बारबेक्यू की तरफ। व्लॉग स्टार्ट करें और आ जाएं। सबसे पहले मैंने सोचा कि यार हेयर कटिंग कराते हैं, सही ना, बाल वाल कटवाते हैं, थोड़ी सेटिंग कराते हैं, टिप टॉप इसके बाद निकलेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज बकरा ईद के तीसरे दिन हेयर ड्रेसर खुला होगा, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे तो गली बंद है, ऊंट की कुर्बानी होने लगी। ये देखें भाई, ये कैमल खड़ा हुआ है और पब्लिक खड़ी हुई है, इसका मतलब कुर्बानी होने वाली है। ज्यादातर लोग जो है ना थर्ड डे कुर्बान करते हैं ऊंट को। लेकिन एक मजे की बात यह है कि हेयर सैलून खुला हुआ है। चले भाई, द टाइम इज 3:17 एंड दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय मुस्तफा हनीफ, आपका भाई यार। अब भाई जा रहे हैं घर पे, सही है, और शावर और लेते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं दोस्तों को लेके। निकलने का टाइम हो गया, आपका भाई रेडी भी हो गया, आप सबको पिक करना है। यार अभी सबको लेने के लिए जाने का टाइम नहीं है, चुटकी बजाने वाली टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और सबको बुलाते हैं गाड़ी में। चले भाई तैयार हो जाए, पहली चुटकी बजाने लगे। ठीक है, पहले देखते हैं कौन आता है। अरे सबसे पहले हमारे अब्दुल राफे भाई आ गए चुटकी से। कैसे बजाएं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? चलें भाई ना दूसरी चुटकी हम बजाने वाले हैं। ठीक है, अरे भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। एक और चुटकी। अरे यूसुफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। यार आप लोग देखें यूसुफ मेरे लिए क्या लेके आया है, सारी बाहर की चॉकलेट्स हैं, मतलब इम्पोर्टेड सेटअप। वाह यार यूसुफ। ये हमारे आमिर भाई आ गए। भाईजान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जबरदस्त भाई। अब जो है ना मजीद चुटकी नहीं बजा सकता क्योंकि गाड़ी में जगह ही नहीं है, पता चला ये दोनों ऊपर छत पे आके गिरे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अनु ये चार चार डब्बे क्या लेके आए आप? ये बच्चों ने जूसेस, जूसेस लेके आए। वाह भाई वाह, चलें भाई चलें, वहाँ पे फुल तैयारी मुझे लग रहा है कि हो गई है। टाइम हो गया है 6:10, असर की नमाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़ ली है। वो देखें भाई आमिर भाई भी नमाज पढ़ के बस आ रहे हैं बाहर, और सैयद फरहान भाई और अब्दुल बासित भाई देखें अंदर गप्पे लगा रहे हैं टक शॉप के अंदर, कुछ लेने के लिए गए होंगे, लाजमी कुछ सेटअप होगा। मुझे पता था अंदर कुछ ना कुछ सेटअप चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह लीची चल रही है, मंडी की यादें ताजा करा दी आपने। पिए पिए भाई ये सर, क्या लेके आए जरा चेकिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मेरी तो नहीं है लेकिन ये इसमें क्या है ये बताएं? के लिए इसके अंदर सेटअप क्या है? सिर्फ पानी की बोतल है। हाँ हाँ हाँ, पानी है पानी है पानी है, सही है पानी मेरे लिए सही है। अभी अभी रिपोर्ट आई है की आपकी जेब में काजू है, दिखाए मुझे जरा। ये लो अकेले अकेले खा रहे हैं? नहीं सर ये देखें भाईजान खामोशी से छप्पड़ हो रहा था, ये सब कुछ सही है ना? अच्छा वही तो रिपोर्ट आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे नहीं खाना बेटा, तुम लोग बारबेक्यू खाओ, ये चीजें मैं खाऊंगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बारबेक्यू वाली जगह पे भाई, गाड़ी लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया यहाँ पे। अब जो है ना हम लोग आपको अंदर लेके जा रहे हैं, हमारे ग्रैंड बारबेक्यू की क्या तैयारियां चल रही है वो आपको दिखाते हैं। सही, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हम कुर्बानी भी इसी इलाके में करते हैं, ये एक लेस प्रिविलेज इलाका है, तो यहाँ पे हम अवामुन्नास के लिए बारबेक्यू का सेटअप भी करते हैं। ठीक है, ताकि लोग जो है वो अच्छा बारबेक्यू खाएं, इंजॉय करें, ईद की खुशियां मनाएं। सही है, माशाल्लाह 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 भाई ये चेक करें। और इस दफा तो पता है बारबेक्यू कौन बना रहा है? ये देखें, ये हमारे सलमान भाई हैं जिनको हम अपने एडवेंचर ट्रिप पे बारबेक्यू पे अपने साथ लेके जाते हैं। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है, देख रहे हैं ना, जबरदस्त जबरदस्त, और क्या खुशबू आ रही है, ओह नेक्स्ट लेवल। अन भाई ये बताएं आज के मेन्यू में क्या सेटअप है?
सीख कबाब और बीफ बिहारी बोटी। बीफ बिहारी बोटी और सीख कबाब, मजा आ जाएगा, मजा। अब जो है ना आपको एक और खुशी की खबर सुनाते हैं और कुछ दिखाते भी हैं। आज से कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस चीज को इनिशिएट किया था कि हम यहाँ पे जो है ना फ्री आरओ प्लांट जो है वो लगाएंगे। लोग पीने का पानी, क्योंकि इस इलाके में पीने का पानी है ही नहीं फ्री, तो लोग कैसे पियेंगे। तो उसका जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कितना काम हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये है आरओ प्लांट, पहुंच गया यहाँ पे सही। अब इसकी जो है ना इंस्टॉलेशन होनी है, वो इंशाल्लाह आपसे तकरीबन जो है वो एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी। इसके बाद ये एक और सप्ताह जारी है का प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। इन लोगों ने भी इस आरओ प्लांट के प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया ना, यकीन करें बहुत बड़ा सप्ताह जारी का काम है और इंशाल्लाह आप लोगों को इसका सवाब मिलता रहेगा। यहाँ पे हैवी सीन चल तो रहा है, लेकिन आमिर के हाथ में इस वक्त कुछ है, पता है क्या? ग्रिल चिकन है। आपके भाई की भाई, आपका भाई ग्रिल चिकन ही खाएगा, लेकिन चखूंगा जरूर ये वाला बारबेक्यू। भाई हम जो है ना एक्चुअली आज फूड इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो अभी हमने बोल दिया कि भाईजान कबाब और बीफ बिहारी बोटी दोनों लगाओ, जरा चेक करते हैं जरा अच्छा है या नहीं है। ये भाई सेटअप निकाल दिया इन्होंने ट्राई कराने के लिए, चेक कराने के लिए। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आ गए वजन बीफ की कबाब, ओए होए होए होए, जबरदस्त। दिल कर रहा है, उंगलियां रुक नहीं रही ना, मतलब आज लाइफस्टाइल को भूल के उंगलियां आगे बढ़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीफ बिहारी बोटी। सलमान भाई बेहतरीन बेहतरीन। अब ये खाएंगे, ये है बहुत गरम कबाब। वीवीआईपी। ये आ गया भाई बर्फ, ओए होए होए, सारे जूस हो जाएंगे ठंडे। डाल दें भाई, डाल दें डाल दें, वीआईपी हो गया। सलमान भाई ये बताएं, गोश्त वोश साफ करने के बाद जब आप सारा खाना यहाँ पे लेके आए, कितने बंदे आज यहाँ पे बारबेक्यू खाएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह 270 तक। 270 लोग यार अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू खाएंगे आज इंशाल्लाह और दुआएं देंगे। माशाल्लाह 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 भाई, इलाके के बच्चे जो है ना अब अंदर आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये देखें बच्चों की पूरी फौज आ गई माशाल्लाह, सब इंजॉय करने वाले हैं आज बारबेक्यू ना, जैसे हम लोग करते हैं अपने घरों में, ये भी इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बच्चे आ गए, बहुत बच्चे आ गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये भाई देखें, चेक करें, ओए होए होए, तैयार हो रहा है सेटअप भाई, चेक करें आप। ये आगे जूसेस, ठंडे ठंडे जूसेस भी जो है ना सब बच्चों को देंगे। माशाल्लाह 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 भाई, दावत स्टार्ट हो गई है, तमाम बच्चों को बारबेक्यू की जो कबाब है, बीफ कबाब है, ये रोटी और जूसेस जो है ना देना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। और भी यहाँ पे भी बच्चों को दिया जा रहा है, अल्लाह पाक कबूल करे, जबरदस्त हो गया बेहतरीन। माशाल्लाह 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 भाई, बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया, एंजॉय करो भाई, पार्टी एंजॉय करो, खाओ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है बच्चों, अच्छा है? अच्छा है। ये भाई थम्स अप, जबरदस्त जबरदस्त, वीआईपी। यार आज जो है ना यकीन करें उंगलियां साथ नहीं दे रही ना, उंगलियां बार बार इसी तरफ बढ़ रही, इसी तरफ बढ़ रही। ये देखें, एक उठा लेते हैं, चलें छोटी वाली उठा लेते हैं, ठीक है भाई। अब हम भी बैठ गए हैं और यहाँ पे तो देखें बारबेक्यू चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका भाई अपनी ग्रिल चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गए भाई ग्रिल चिकन। देखिए वो पूरी शिफ्ट चली गई बच्चों की, सही है ना, खाने के बाद अब दूसरी शिफ्ट आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बहुत सारी शिफ्ट आएंगी क्योंकि बारबेक्यू बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें भाई ये बच्चा है मोहम्मद काशिफ, कहाँ से आयो? लियारी से आयो, लियारी से आया भाई, स्पेशली मिलने के लिए आया था और साथ साथ बारबेक्यू भी इंजॉय किया। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। बारबेक्यू कैसा था, मजे का था? वीआईपी था ना, वीआईपी सेटअप। नहीं भाई बारबेक्यू तो यहाँ पे चलता रहेगा, हम निकलने वाली करते हैं, सही है। आप लोग ये देख रहे हैं ना सामने ये जो धुएं उठ रहे हैं, ये है भाई बारबेक्यू का सेटअप। लोग अपना अपना गोश्त दे जाते हैं, ठीक है, और ये बना के दे देते हैं, मैरिनेट भी कर देते हैं, बना के भी दे देते हैं, इस तरह की भी सर्विसेज चलती हैं यहाँ पे। भाई रात के 9:44 हो गए और सब दोस्तों को हमने ड्रॉप कर दिया है, इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करने लगे हैं। होपफुली आज का जो ग्रैंड बारबेक्यू का हमारा सीन था वो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सिर्फ ये एक बारबेक्यू नहीं है, अभी हमारी और भी इंशाल्लाह दावतें होंगी, उसके अंदर भी आप लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। फिलहाल आपका भाई पता है क्या खा रहा है, पता है क्या खा रहा है? कैसे पता होगा, मैंने बताया नहीं, अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट रुके। ये देखिए, ये है नारियल के अंदर से जो मलाई निकलती है ना, वो खा रहा हूँ। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, कल मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।